प्यारे बच्चों, जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपके प्लस वन इकोनॉमिक्स के पहले पार्ट से चौथे चैप्टर का पहला टॉपिक है बच्चों। तो 4.1 मैंने इसका नंबर रखा है। चौथा चैप्टर हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अर्थात आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के विषय में ये है। तो व्यवस्थीकरण या व्यवस्था करना हमारे लिए कोई नया ऐसा जादुई शब्द है, ऐसा नहीं है। ये इस व्यवस्थितीकरण से, व्यवस्था से हम पहले से परिचित हैं। थोड़ा सा इसको आंकड़ों की दृष्टि से समझेंगे और अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। अगर किताबी परिभाषा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट comparison of masses of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. अब बच्चों ये है क्या है? आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से हमारा अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ऐसे उसकी अरेंजमेंट करते हैं जिससे क्या करें कि वो आगे तुलना उसकी हो सके, कोई विश्लेषण भविष्य में निकाला जा सके, उससे कुछ सुविधा हो, भविष्य में उपयोग लिया जा सके उन आंकड़ों का, व्यवस्था रखनी उसकी कि कौन से आंकड़े किस कैटेगरी में रहेंगे, कहाँ हमें काम आने हैं, कौन से नहीं आने हैं, उसमें तुलना करनी हो तो वो कर सके, कोई और विश्लेषण करना हो वो कर सके। तो ये सारी व्यवस्था करना व्यवस्थीकरण में हम पढ़ने वाले। तो इस व्यवस्थीकरण का ही एक दूसरा रूप क्या है, क्लासिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण क्या हुआ फिर? वर्गीकरण क्या है? एक नंबर की परिभाषा कई बार बच्चों ये आ जाती है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, अर्थात ये भी क्या हुआ, समग्र में से जो हमारा आंकड़ा होगा ना, जो डेटा होगा, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना, तो इसी को व्यवस्था या क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, वर्गीकरण। मतलब जैसे बच्चों आप उदाहरण के लिए समझो, किसी भी विषय से संबंधित आंकड़े हमने कहीं इन्वेस्टिगेशन एरिया से कलेक्ट करने होंगे ना, तो आप वहां जाएंगे, उस व्यवस्था से जाएंगे, वहां तो आपको सिर्फ इकट्ठे करने का काम करना है, बाद में आप उसकी कोई व्यवस्था करोगे, ठीक है। उस व्यवस्था को कैसे करना है, ये ही हमारा व्यवस्थितीकरण है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं, आपको बोलिए कि भाई बलदेहा पंचायत मैं आपको कुछ सर्वे करना, कितनी पॉपुलेशन वहां पे है, कितने परिवार हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, IRDP, तो इस तरह का आप जब उस आंकड़ों को किसी सिस्टम में रखेंगे ना, हमने क्या कर दिया इसको, टोटल बलदेहा पंचायत में मान लेते हैं 6000 की पॉपुलेशन है, ठीक, ये तो कुल संख्या हुई, 6000 में से हमने पता किया कि भाई 1000 उसमें परिवार है, उनके यहाँ राशन कार्ड बने 1000 फैमिलीज के, उस 1000 में भी फिर आगे हमने क्या करा होगा, ऐसी व्यवस्था करनी है उन आंकड़ों की जिससे हमें ढूंढने को मिल जाए कि IRDP के है उसमें 50 परिवार, ठीक है, APL के हैं उसमें 100 परिवार, BPL के हैं उसमें 150 परिवार, इस तरह से अंत्योदय में इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, तो ये आंकड़े हमें बाद में इकट्ठे करने के बाद व्यवस्था करनी होती है, पहले तो हम सिर्फ इकट्ठे करने का काम करते हैं। वो हमने कब किया था, तीसरे चैप्टर में, जिसमें हमने क्या समझा था, किस मेथड से हम इकट्ठे करेंगे, सैंपल से, सेंसेस से, वो तो इकट्ठे करने वाला काम था, इकट्ठे करके हम आ गए, अब उस आंकड़ों को जो हमारे पास आ गए, रफ काम हमने कर लिया, अब उसको फेयर करना है। फेयर हम कैसे करते हैं, जब उसकी कोई व्यवस्था करेंगे, सिस्टम कोई रखेंगे। बलदेहा स्कूल हमारा है GSS बलदेहा में, 300 बच्चे हैं, तो वो तो 10 बजे से पहले क्या हाल होता है कैंपस का, तुमने तो देखा ही है ना, 300 बच्चे कौन कहाँ है, लेकिन जैसे ही 10 बजे की बेल हुई नहीं, सारे बच्चे अपनी अपनी व्यवस्था में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, क्लास से मॉर्निंग असेंबली में आते हैं, हाउसवाइज लगना हो तो हाउसवाइज लग जाते हैं, जैसे ही मॉर्निंग असेंबली खत्म हुई 10:25 पे, सारे बच्चे अब अपनी क्लासेज में चले जाते हैं, छठी के कहाँ हैं, सातवीं के कहाँ हैं, एकदम व्यवस्था हो जाती है। तो पढ़ाने वाला मॉर्निंग असेंबली से पहले, जब तुम 10 बजे से पहले आते हैं, ग्राउंड में पढ़ा सकते हो तुम्हारे को, नहीं, संभव नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उस वक्त। तो जब तक कोई व्यवस्था होगी, कौन सी क्लास कहाँ बैठेगी, किस सब्जेक्ट पढ़ेगी, कौन सा पहला पीरियड होगा, दूसरा हुआ, तो ये व्यवस्था करना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। किसी चीज को सुचारू रूप से चलाना, आंकड़ों को इस तरह से व्यवस्था करना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर बाद में क्लासिफिकेशन कहलाता है।
वर्गीकरण उसका करना। समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके बच्चों, तो अब हम क्या समझते हैं, इन आंकड़ों के बाद, इस परिभाषा को समझने के बाद, हमने किसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है क्लासिफिकेशन का। वर्गीकरण हमने समझ लिया, अलग अलग कैटेगरी में जब हम बांट देते, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें आने चाहिए। पहला क्या है इसमें, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब क्या होना चाहिए, पहले आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का अर्थ क्या है हमारा, आंकड़ों को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, ऐसे व्यवस्थित करते हैं जिससे वो सिंपल लगे, सरल लगे, समझने में आसान हो और शॉर्टकट में ही हमें समझ में भी आ जाए। ऐसा ना हो जैसे रफ कॉपी में, तुम्हें तो पता है कि हिंदी का काम कहाँ किया है, किस डेट का होमवर्क कहाँ है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को दोगे ना ढूंढने के लिए, तो वो नहीं ढूंढ सकता उस रफ कॉपी को कि भाई किस दिन मैथ की क्लास हुई थी, इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी, कौन सा न्यूमेरिकल कराया था, किस डेट में, वो तुम्हें ढूंढ सकते हो रफ कॉपी में, दूसरे के बस का नहीं है वो। लेकिन अगर तुमने उसमें फेयर कॉपी में क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं ना, सरल तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, बढ़िया होता लिखा हुआ, तो कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स की कॉपी मांगेगा कि जी उस दिन सर ने क्या पढ़ाया था, तो फेयर कॉपी दे दो उसको, वो खुद बच्चा ढूंढ लेगा। सरल है और संक्षिप्त बनाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा गुण क्या है इसका, उपयोगिता, यूटिलिटी। मतलब क्या, जब आंकड़ों को हम बढ़िया व्यवस्थित तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज, गुणों वाइज, उनकी भिन्नता वाइज व्यवस्थित कर देते हैं ना, तो उसकी उपयोगिता क्या है, बढ़ जाती है, इंक्रीज इन यूटिलिटी, उसका ज्यादा यूज हम कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग असेंबली से पहले हमारे स्कूल में बच्चों एक नोटिस बोर्ड है अटेंडेंस का, है क्या, किसने देखा है, तनेश? यस सर, यस सर। उस बोर्ड में क्या है, हर क्लास की, जैसे प्लस टू की, प्लस वन की, टेंथ की, छठी से बारहवीं तक, फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, है ना वो बोर्ड? यस सर। उसमें क्या है, ये सारी उसका, जब सुबह मॉनिटर उसको भरता है तो हम उसमें सारी चीजें देख रहे हैं। किसी ने देखना कि आज टोटल बच्चे कितने एब्सेंट है, टोटल नीचे लिखा होता है कि भाई 300 बच्चों में से आज 35 बच्चे एब्सेंट है, पता लग जाता है जिसने देखना। अच्छा, कोई टोटल में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई सातवीं के क्लास टीचर है, उन्होंने सिर्फ अपनी क्लास देखनी है, सातवीं में कितने बच्चे हैं, अरे 35 थे, 35 में से 4 एब्सेंट, उनको अपना उपयोग उन्होंने कर लिया, उनकी उपयोगिता उसके सातवीं क्लास से रिलेटेड है। मैं प्लस वन की देखूंगा कि भाई प्लस वन के कितने हैं, प्लस टू के देखने मुझे, मैं प्लस टू के देखूंगा। इस तरह से जब आंकड़े व्यवस्थित तरीके से करे हो, अरेंज करे हो, तो उसकी उपयोगिता अधिक होती है, बढ़ जाती है, इसका उद्देश्य ये भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस, अर्थात विभेदकारी, या फिर चौथा है कंपेरेबिलिटी, मतलब तुलना योग्य बनाना। तो ये जो तीसरा और चौथा है ना बच्चों, विभेदकारी हो, तुलना योग्य, लगभग लगभग ये सिमिलर ही है, कंपेरेटिव भी होने चाहिए और डिस्टिंक्टिवनेस भी उसमें होनी चाहिए। मतलब भेदकारी हो, अलग अलग कैटेगरी उसमें क्लियर करना, हम उसको ऐसे करके व्यवस्थित करते हैं कि कंपैरिजन हो जाए। हमें यहाँ टेबल से पता लग जाता है मॉर्निंग असेंबली से पहले कितने बच्चे आ गए, कैसे उसमें पता लग जाता है ना, कि बांध लेते हैं 35 बच्चे एबसेंट थे, लेकिन जब क्लास में अटेंडेंस होती है तुम्हारी, वहां सिर्फ 20 बच्चे एबसेंट थे, तो इसका मतलब क्या पता चला कि बीच में 15 बच्चे मॉर्निंग असेंबली से गायब थे, जैसे ही मॉर्निंग असेंबली खत्म हुई कहीं से क्लास में घुस गए। तो अर्थात उसमें कंपैरिजन हमने करना हो, एलिमेंट्री के बच्चे ज्यादा एब्सेंट है, सेकेंडरी के बच्चे ज्यादा एब्सेंट है, ये सारी चीजें हम तब कर सकते हैं, तब उसमें भेद कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जब वो व्यवस्थित होंगे, कोई सिस्टम से लगे होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। ये इसके चौथे विशेषता हो गई। पांचवा क्या, साइंटिफिक अरेंजमेंट्स, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, उसको कोई साइंटिफिक लुक देना कि भाई ऐसे खिचपिच करके, जैसे मैं अभी तो ये मेरा पेज ठीक होता है, लेकिन जब मैं आपको समझा दिया तो वो व्यवस्थित, क्योंकि अभी मैं क्या आपको क्लास दे रहा हूँ ना, फेयर तो नहीं कर रहा हूं। जब आप रफ कॉपी में अभी भी लिख रहे होंगे तो अव्यवस्थित ही लिख रहे होंगे, कोई यहाँ लिख देता हूं मैं, कहीं छोटा, कहीं जहां जगह मिली वहां लिख देते हैं, बाद में जब हम फेयर करते हैं तो वो एक वैज्ञानिकता उसमें आती है। आप सिस्टम से लिखते हो, कोई भी चीज है नीट एंड क्लीन भी होगी, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से भी आंकड़े एकत्रित किए होते हैं, व्यवस्थित रखे होते हैं, तो ये एक उसको साइंटिफिक अरेंजमेंट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर छठा क्या है लास्ट इसमें, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, आकर्षक और प्रभावशाली वो होने ही चाहिए।
ऐसे करके अगर होंगे ना बच्चों, जैसे मैं सुबह अभी प्लस टू की क्लास ली है ना, ये शायद ये प्लस टू को मैंने ये कराया है, तुम्हारे को पता लग रहा है इसमें क्या है, किसको मैंने क्या समझाया है, लग रहा है, दिख रहा है इसमें? अगर तुम्हारे को मैं समझाने लगूं तुम्हारे को क्या मुझे खुद नहीं पता लगेगा अभी प्लस टू वालों को मैंने कैसे पढ़ाया? उस समय ये ब्लैंक था, लेकिन सिस्टम से लिखने ये रफ है, लेकिन जब इसको फेयर किया जाएगा तो ये बढ़िया हो जाएगा, सुंदर भी लगेगा। अभी क्या सुंदर लग रहा है? ये नहीं लग रहा, अभी व्यवस्थित नहीं है। तो जब ये व्यवस्थित हो, वर्गीकरण जिसका हो जाए, तो उसके बाद वो आकर्षक भी लगता है, प्रभावशाली भी दिखता है। इस तरह से ये सारी चीज इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, वर्गों वर्गीकरण, आंकड़ों के वर्गीकरण करने। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव समझ में आए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम बच्चों समझते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छे वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें विशेषताएं क्या है, ये कोई बहुत ज्यादा टफ है समझने के लिए, इतना मुश्किल है ऐसा नहीं है। तो इसकी कुछ 6-7 विशेषताएं हम समझते हैं। पहला तो क्या है, इसमें क्या होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता। कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता से हम क्या समझते हैं कि जो व्यवस्था हम कर लें उसमें सारी चीजें आ जाए, कोई छूट ना जाए। व्यापकता से क्या अर्थ हुआ? मान लेते हैं हम किसी स्कूल का अरेंजमेंट कर रहे हैं ना क्लास वाइज, तो ऐसा ना हो कोई रह जाए। हाउस हमने बना दिए चार, महाराणा प्रताप, शिवाजी हाउस, रानी झांसी हाउस और सुभाष हाउस, चार हाउस है बल्दे में, हर बच्चा हम हाउस में डालते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा किसी भी हाउस में ना हो। लेट एडमिशन हुई जी, ये किस हाउस में है, तो उसको हमने बांट रखा होता है। सिस्टम सिस्टम है हमारा, रोल नंबर 1 पहले हाउस में जाता है, रोल नंबर 2 दूसरे हाउस में, रोल नंबर 3 तीसरे हाउस में जाएगा, रोल नंबर 4 सुभाष हाउस में जाएगा, और रोल नंबर 5 फिर से यहाँ आ जाएगा, रोल नंबर 6 रानी झांसी हाउस, रोल नंबर 7 शिवाजी हाउस, रोल नंबर 8 सुभाष हाउस, रोल नंबर 9 इधर। तो व्यवस्था है ना ये, तो व्यापक होना चाहिए कि कोई ना कोई उसमें आ जाए। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन तो ली उसका रोल नंबर कोई नहीं है जी, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम्हारा हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन तुम्हारी अभी एडमिशन हुई है ऑनलाइन, शायद रोल नंबर तुम्हारे को पता नहीं होंगे। अभी अभी रोल नंबर आपको स्कूल में मिलेंगे, जब आपकी ऑफलाइन एडमिशन होगी तो फिर आपका हर बच्चा कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो व्यापकता उसमें होनी चाहिए वर्गीकरण। क्लैरिटी दूसरा, स्पष्टता, जो कैटेगरी में है वो स्पष्ट हो। आपने 2 कॉलम बना दिए, पास फेल, किसी की कंपार्टमेंट है तो कहाँ जाए, उसमें स्पष्ट नहीं है, वो वर्ग नहीं बनाया आपने, वो क्लासिफिकेशन ऐसा किया नहीं। या आप मेरिट वाइज बना रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, किसी के 90% है, उसको वेटेज नहीं दिया, डिस्टिंक्शन आई उसको अलग से नहीं किया। तो इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए जो वर्गीकरण हम करें आंकड़ों को, वो स्पष्टता उसमें साफ हो। फिर होमोजेंटली मतलब सजातीयता, जिस वर्ग में जो आंकड़े आए वो साफ हो। हमने ये पास का कॉलम है, ये हमारा फेल का कॉलम है, ऐसा नहीं है कि हमने कंपार्टमेंट वालों को चलो इधर ही एडजस्ट कर दो, ठीक है कंपार्टमेंट वाले पास में गिन दिए, हो सकता है कंपार्टमेंट नहीं टूटी तो इस कैटेगरी में आएंगे फिर वो। अर्थात उसमें स्पष्टता सजातीयता का गुण भी होना चाहिए, जो जिस कैटेगरी के बच्चे हैं उसी में आए। फर्स्ट डिविजन वालों का कॉलम है तो उसी में हो, मेरिट वालों का कॉलम है तो उसी में हो, तो उसमें सजातीयता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सुटेबिलिटी, अनुकूलता, हम जो आंकड़ों को एकत्र करते हैं वो कैसे होने चाहिए, अनुकूल। अनुकूल मतलब जो कॉलम हमने लिख दिया उसको सूटेबल करे, उसको सूट करे। जिस समस्या को लेकर हम ये आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वो उसको सूट नहीं कर रहे, मैं आपको अपने इकोनॉमिक से संबंधित कुछ पूछ रहा हूं, तो उसमें मैं आपके मैट्रिक में भाई मुझे आपको मॉनिटर बनाना है, एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है, तो मैंने किस आधार पे बनाऊं कि भाई जिसके 10th में अच्छे मार्क्स होंगे, या ये क्राइटेरिया हो सकता है, या अभी मैथ में कौन अच्छा है वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा होगा, या मैं ये बोलूं कि कौन पेरेंट्स जॉब में है उसी को बनाऊंगा मैं। अर्थात वो उसमें क्या अनुकूलता होनी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुकूल होना चाहिए। मेरे तुम्हारे को मॉनिटर बनाने से तुम्हारे पापा इंप्लॉयज है नहीं है कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक क्राइटेरिया उस तरह का ना हो, अनुकूल हो। फिर 5वीं और 6ठी क्या है इसमें, स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता, और ये दोनों वैसे एक सही है, अनुकूलता और स्थिरता, मतलब सुटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। अनुकूलता होती है ऑब्जेक्टिव के अनुसार हो, स्थिरता होती है जो है वो स्थिर रहे, फिर बदले ना वो, उसका अर्थ ना बदल जाए। पास वाले अगर आपने कंपार्टमेंट वाले इधर लिखे हैं, अगर नहीं निकले तो वो इधर आ गए, तो कहां स्थिर रहा आंकड़ा,
तो इस तरह से वो स्थिरता भी उसमें होनी चाहिए, अनुकूलता भी होनी चाहिए, और छठा क्या, इलास्टिक होने चाहिए, लोचदार। कभी आपको उसमें कोई ऐड करना पड़े, कोई निकालना पड़े, कोई कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ना पड़े, तुलनात्मक अंतर करना पड़े, तो वो सारा आप कर पाओ। इसलिए वो वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, उसकी एक विशेषता क्या है कि वो लोचदार भी हो, इलास्टिक भी हो। तो बच्चों ये थे हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ क्लासिफिकेशन। समझ में आए? यस सर। यस सर। ओके सर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमने इतने मुश्किल भी नहीं है कि एक नजर मारोगे किताब में, या वैसे भी तुम्हें याद रह जाएंगे। सिंपल चीजें, हेडिंग याद कर लो, दो लाइनें तुम लिख सकते हो। ठीक, तो ये तो था सिंपल सी चीज। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? अगला टॉपिक हमारा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, के वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका आधार है क्या, किस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे? तो वर्गीकरण के जो आधार है वो हम चार इसकी कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या है हमारी, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं। भौगोलिक आधार पर नहीं करा तो किस आधार पर कर सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल, समय अनुसार भी वर्गीकरण होता है। दूसरा, तीसरा किस आधार पर कर सकते हैं? क्वालिटेटिव। तीसरा क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मक, गुणात्मक आधार पर, गुणों के आधार पर करना, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव को आगे हम दो तरह से पढ़ते हैं, साधारण और बहुगुणी। वो मैं बाद में आपको जब इसको समझाऊंगा कल, तो आपको उसको दो पढ़ेंगे, तो ये दो तरह का अलग से है। फिलहाल तीसरी विधि क्या, तीसरा आधार क्या वर्गीकरण का, गुणात्मक, और चौथा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तीसरा था, चौथा है हमारा क्वांटिटेटिव, मतलब संख्यात्मक या मात्रात्मक आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, भौगोलिक आधार पर ज्योग्राफिकल, दूसरा समय अनुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल बेस पे, तीसरा गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, और चौथा हमारा संख्यात्मक या मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। तो ये चार कैटेगरी में हम आंकड़ों को बांटते हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं पहले वाला, शायद अगर दूसरे तक पहुंच गए तो दो। ठीक है, तो पहला अंतर का आधार क्या है बच्चों? भौगोलिक आधार पर। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले किताबी परिभाषा क्या बोलती है इसको, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। मतलब क्या, भूगोल के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। भूगोल कैसा, जो हमारा क्षेत्र के आधार पर। जैसे हम मान लेते हैं आप कोविड 19 के 2020 के आंकड़े हमने देखने हैं स्टेट वाइज। ठीक है, यहां हमने लिख दिए स्टेट और यहां पे नंबर ऑफ केसेस। ठीक, किसमें? 2020 में आए। ठीक है, हमने लिख दिया एचपी, एमपी, एपी, महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी, ये लिख दिए। और नंबर ऑफ केसेस कितने आए थे? हिमाचल में थे सिर्फ 2000 केसेस। ठीक है, एमपी में थे 20,000 केसेस। ठीक है, एपी में थे 50,000 केसेस। महाराष्ट्र में थे लगभग 200,000 केसेस। ठीक है, यूपी में थे 80,000 केसेस। तो अर्थात हमने किस आधार पर किया? क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्र समझ रहे हो, हिमाचल अलग राज्य है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, आंध्र प्रदेश अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है। अर्थात बच्चों हमने क्या किया, अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशन। जरूरी नहीं है, आप छोटे क्षेत्र पे भी हो सकता है, बड़े पे भी हो सकता है, कंट्री वाइज भी हो सकता है। इंडिया में कितने थे? 200,000 केस। यूएस में उस समय थे कम से कम 50,000 केस। ठीक है, चाइना में कितने थे? 200,000 केस। कनाडा में थे 20,000 केस। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल हुआ। आप स्कूल वाइज करो कि जीएसएस बल्देया में इतने बच्चे हैं, 300 बच्चे, जीएसएस मुंडाघाट में, जीएसएस बल्देया में 300 बच्चे हैं, जीएसएस मुंडाघाट में 150 बच्चे हैं, मशोबरा में 300 बच्चे हैं, ऐसे करके। तो किस आधार पे आप कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, अर्थात भूगोल के आधार पे। इसको आप डायग्राम पे भी बना सकते हैं। जैसे ओ एक्स एक्सिस पर हम प्लेस ले लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, पॉपुलेशन लेनी है या नंबर ऑफ कोविड केसेस। ठीक है, नंबर ऑफ कोविड केसेस जो हमने यहाँ पे लिए। ठीक है, हमने सबसे पहले बना दिया एचपी का। एचपी में कितने थे? यहाँ पे आप हजारों में लिखना है तो आपने जैसे लिख दिया ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000, ये
40,000, ये 50,000, ठीक है। हिमाचल में कितने केस थे, यहाँ सिर्फ 2,000, तो ये छोटा सा हमारा वर्ग बन गया। एचपी के बाद कौन सा था, एमपी, एमपी में कितने थे, 20,000 केस, तो ये बन गया एमपी का 20,000 का टावर, ठीक। तीसरा किसका था, एपी का, एपी का टावर कितना था, 50,000 केस, तो मान लेते ये हो गया एपी का, ठीक। एपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए तो हमें ऊपरली मंजिल तक जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 2,00,000 केस थे, उस हिसाब से ये वर्ग हमने बना दिया, मान लेते इतना है 2,00,000, ठीक है। यूपी, यूपी में थे 80,000, तो ये हमारा यूपी का हो गया। तो इस तरह से ये जब हम इसको कलर करेंगे, ये हमारा किस तरह का आंकड़ा है, ये हमारा है किस बेस पे हमने ये वर्गीकरण करा, भूगोल के आधार पे, भौगोलिक आधार पर। समझ में आया बच्चों? यस सर। तनिष बेटा समझ में आया, किस आधार पे किया हमने, भूगोल के आधार पे, ठीक है। तो इसमें राज्यों के आधार पे कर सकते हैं, कंट्री के आधार पे कर सकते हैं, स्कूल जो अलग अलग हैं, क्योंकि वो क्या है, ज्योग्राफी है ना वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपने सेब उत्पादन का एग्जाम्पल लेना है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लगभग 3 राज्यों में सेब का उत्पादन होता है। तो वो आपने देखा कि हिमाचल में 5 करोड़ बॉक्सेस, J&K में 2 करोड़, उत्तराखंड में 1 करोड़ ग्राफ बना दिया, यहाँ पे टेबल बना दिया। तो हमारा पहला वर्गीकरण क्या हुआ, भूगोलिक आधार पे। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके बेटा, यस सर। तो अब हम समझते हैं दूसरा, दूसरा हमारा क्या आता है, क्रोनोलॉजिकल, समय अनुसार। तो इसको हम समय अनुसार भी तुलना इसकी करते हैं। समय अनुसार कैसे, क्या इसका अर्थ निकलता है, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम किस पर आधार पर तुलना कर रहे हैं, समय के आधार पे। समय के आधार पे कैसे, जैसे मान लेते हैं इसका कोविड का ही ले लो, कोविड केसेस इन इंडिया, ठीक है। हमने ले लिया यहां पे 2020 कितने थे, लगभग 20,00,000 केसेस, ठीक है। और 2021 में कितने हैं, मान लेते हैं अब तो हो गए कोई 50,00,000 केसेस। तो ये हमारे किस आधार पर तुलना करी हमने, समय के आधार पे, 2020-2021। उसी तरह से 10th रिजल्ट ऑफ GSS बल्दिया सिंस 2015, ठीक है। 2015 से अगर हमने रिजल्ट निकालना है ना, तो हमने कर दिया क्या परसेंटेज, ये हो गया यहाँ पे ईयर और यहाँ पे परसेंटेज रिजल्ट किसका, 10th क्लास का, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 और 2021, ठीक है। हमने ये बना दिया। अब मान लेते हैं 2015 में कितने परसेंट रिजल्ट था बोलते हैं स्कूल का, 81%, 2016 में 67%, और 2017 में 10th का रिजल्ट था 74%, 2018 में 92%, 2019 में 91%, 2020 में 100%, 2021 में, मतलब ये किस आधार पे परसेंटेज निकाली हमने, ईयर के बेस पे ये टेबल बना। वर्गीकरण किस आधार पे है, समय के अनुसार के। 2015 कोई भी देखेगा कि भाई 2016 में थोड़ा 10th का रिजल्ट सबसे कम था, भाई क्या था, 67%। कारण क्या था भाई, उसमें मैथ के कोई टीचर नहीं थे, तो मैथ में बुरे हाल थे, तो कंपार्टमेंट आई थी, वो सारी इस वजह से कम है। उसके बाद बात चली कि 2018-19-20 में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, अरे भाई क्या है, स्टाफ अच्छा था, प्रिंसिपल जिस सर थे उन्होंने बड़े कस के रखे हुए, तो अच्छा रिजल्ट आया, 90-92-100%, ठीक है। और यहाँ से 2020 और 2021 में तो कोरोना को बधाई हो, इस वजह से 100% है, आप चाहे तो 110% भी करो इसको, वो पास हुए जिन्होंने कालिदास को कौन ही लिखा था। तो इस तरह से ये किस आधार पे हमने वर्गीकरण करा बच्चों, बोलो, टाइम के बेस पे, समय के बेस पे। आप इसकी तुलना किसी दूसरे से करो, समय काल से करो, 2010 में इतना था जी, 2020 में इतना है। तो ये हमारा किस आधार पे क्लासिफिकेशन था, समय के आधार पे। अब बोलो बच्चों जिसको समझ नहीं आया। सर आ गया समझ। ओके, कुसुम को आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो बेटा ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो आधार है, दो इस पे करते हैं हम, एक भूगोल के आधार पे ज्योग्राफिकल, और एक क्रोनोलॉजिकल समय अनुसार। ये आज पढ़े, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम पढ़ेंगे कल। तो आज कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो,
सर 2 31 2 31 ठीक है, चलो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों एक साथ है, थोड़े बड़े भी हैं ये, तो उसको एक साथ ही कल कर लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनी डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। ओके बेटा, नो क्वेश्चन नो डाउट। तो अर्थशास्त्र गुरु जी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।